हेलो बच्चों, कैसे हो? हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट? और हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ें जरूरी है, और विदाउट मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए यूजलेस है, राइट? हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती है, बट वो हमारे लिए तब तक यूजफुल नहीं है जब तक हमें उनका मेजरमेंट ना आता हो। और आपने पढ़ा था मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। फर्दर हमने पढ़ा था कि यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड अमाउंट होती है, एंड यूनिट्स टू टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास उसकी यूनिट्स होना जरूरी है। बट हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं और हमें सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को याद रखना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाए और उस सिस्टम के अंदर कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और उन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स को याद रखते हुए हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमारे पे कुछ सर्टेन सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम के अंदर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट्स को हमें सीखना है यहाँ पे, राइट? तो नाउ आज हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट जो सिस्टम है, दैट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। हियर सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर को, मास को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ग्राम को, एंड टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं सेकेंड, राइट? मींस हम कह सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लेंथ की यूनिट यूज की जाती है सेंटीमीटर, मास की यूनिट यूज की जाती है ग्राम, और टाइम की यूनिट यूज की जाती है सेकेंड, राइट? क्लियर है? नाउ सिमिलरली एक हमारे पास अनदर सिस्टम है, एमकेएस। एमकेएस सिस्टम, हियर एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एंड एन एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो एम के एस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होगी किलोग्राम, और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। क्लियर है? तो ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है, एम के एस सिस्टम, जहां पे हम लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ हमारे पास एक थर्ड सिस्टम होता है, दैट इज एफ पी एस सिस्टम। एफ पी एस सिस्टम, हियर एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो एफ पी एस एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करेंगे हम पाउंड में, और टाइम को हम मेजर करेंगे सेकेंड में। इज इट क्लियर? तो देखो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमने कुछ सर्टेन सिस्टम बनाए हैं और उन सिस्टम के अंदर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट आपको बताई जा रही है। जैसे फर्स्ट था सीजीएस सिस्टम, यहाँ पे लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर कर रहे हैं ग्राम में, एंड टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड में।
एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करेंगे हम मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। इज इट क्लियर? नाउ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है यहाँ पे, दैट इज फोर्थ सिस्टम, एसआई सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, एसआई सिस्टम। हम इसकी फुल फॉर्म बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, राइट। एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है और उनके सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, राइट, एंड उनकी यूनिट्स एंड सिंबल। तो फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है यहां पे मास, और मास की यूनिट होती है एसआई सिस्टम के अंदर किलोग्राम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी, राइट। एसआई सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मास, इट्स फंडामेंटल यूनिट इज किलोग्राम एंड डिनोटेड बाय केजी। सेकेंड वन इज लेंथ, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय एम। थर्ड वन इज टाइम, तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय एस। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, राइट। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, और इसकी यूनिट होती है कैल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय के। एंड सिक्स वन इज लुमिनियस इंटेंसिटी, इट्स यूनिट इज कैंडला, रिप्रेजेंटेड बाय सीडी। एंड सेवंथ वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट्स यूनिट इज मोल, रिप्रेजेंटेड बाय MOL, राइट। तो एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास ये सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके ये सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्लियर। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, कैल्विन, कैंडला एंड मोल, राइट। बिसाइड दिस वी हैव टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स हियर। इसके अलावा हमारे पास टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं यहाँ पे, वन इज एंगल, एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज रेडियन, राइट। एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल एंड इट्स यूनिट इज स्टे रेडियन। तो ये हमारे पास है एसआई सिस्टम के अंदर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वन इज एंगल, सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। एंगल की जो यूनिट होगी रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होगी स्टे रेडियन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर ये एसआई सिस्टम मान ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ रेशनल सिस्टम एंड कोहेरेंट ऑल्सो। एसआई सिस्टम एक रेशनल सिस्टम है और एक कोहेरेंट सिस्टम है, क्लियर है। कोहेरेंट सिस्टम मीन्स यहाँ पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए एक यूनिट फिक्स की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट आपने पढ़ा होगा कहीं पे जूल, कैलोरी, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट एसआई सिस्टम के अंदर एनर्जी के लिए हम एक ही यूनिट का यूज करेंगे, दैट इज जूल। तो दिस इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।